सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो राइट नाउ हम लोग जा रहे हैं संडे राइड के लिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं चेरापूंजी साइड, मगर एग्जैक्टली कहाँ जाएंगे हम लोगों ने वो अभी डिसाइड नहीं किया है। हम लोग आगे कहीं रुकेंगे, बैठ के आराम से डिसाइड करेंगे। वैसे तो ये मई का महीना है, तो बारिश होने का प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा ही है। तो हम लोगों ने सारा रेन गियर्स वगैरह ले लिया है, और अगर बारिश ज़्यादा हुआ तो मैं मोटो ब्लॉगिंग शायद ही कर पाऊँगा, मगर मैं आप लोगों को सिनेमेटिक ज़रूर दिखाऊँगा अपने फ़ोन से। तो अभी फिलहाल हम लोग रुके हैं उमसिंग बाईपास में, यहाँ रुक के थोड़ा फोटो वगैरह लेते हैं और इंस्टाग्राम में स्टोरी अपलोड करते हैं। और अभी सेवदीन भाई का बाइक में चेन लूप भी करना पड़ेगा, और हम लोग का भी चेन लूप किया हुआ नहीं है अभी, तो आराम से चेन लूप वगैरह करते हैं और फिर मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉगिंग में। और आज हमारे साथ राइड कर रहे हैं सेवदीन भाई। हे गाइस, ब्लॉग आ रहा है गाइस। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो। और पंकज भाई पानी बातें पीना, हेलो बोलो। और इसको तो आप लोग जानते ही है। छोटू ठीक से करो। हाँ बढ़िया बढ़िया। तो यार हम लोग कर रहे हैं चेन लूप, और यार डबल चेन नहीं होने का घाटा। चलत रहो चलत रहो। तो पहुंच गए हम लोग उमियम लेक व्यू पॉइंट। तो यहाँ 5-10 मिनट रुकते हैं, थोड़ा रेस्ट करके फिर निकलते हैं। उससे मौसम देख के तो लग रहा था काफ़ी बारिश होगा, मगर बारिश हुआ नहीं है अभी तक, तो मौसम ऐसा ही रहे तो और बढ़िया है। तो हमारा आगे जा रहे हैं रॉयडर भाई। ये रॉयडर भाई का राइडिंग देखिए RX 100 में। हाँ, मेघालय का लड़का लोग बहुत ख़राब से चलाता है सच में। इन लोग का पूरा हैबिट हो गया इस रूट में ना। सो वेलकम टू शिलोंग कैंटोनमेंट। और पूरा पूरी हमारा ओडोमीटर में हो गया है 100 किलोमीटर, मतलब गुवाहाटी से, मतलब अपने घर से पूरा शिलोंग है 100 किलोमीटर। तो अब यहाँ से मैंने बाइक ले लिया है, तो अब यहाँ से चेरापूंजी तक पूरा मैं ही राइड करूँगा, क्योंकि अब नज़ारा आने वाला एकदम बढ़िया बढ़िया। ऑलरेडी शिलोंग का रास्ता मैंने काफ़ी बार दिखाया है, तो मतलब वो बोरिंग हो जाता है काफ़ी मोटर ब्लॉगिंग करने में वहाँ में। अब यहाँ से आप आराम से व्यू का मजा लेते रहिए और वीडियो पर बने रहिए। तो पहुंच गए हम लोग अभी दाउकी सोहरा बाईपास में। तो बस यहाँ रुकने के लिए बोल रहा है, अब रुकते हैं यहाँ। तो अभी हम लोग आके पहुंचे हैं ये सोहरा से पहले जो आपका है ये ब्रिज यहाँ। तो अभी यहाँ रुकते हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा रेस्ट करते हैं, और फिर यहाँ डिसाइड कर लेंगे हम लोग कि हम लोग को जाना कहाँ है एक्जैक्टली। अभी सोहरा यहाँ से लगभग और 20 या 22 किलोमीटर बाकी है बस, तो ज़्यादा दूर है नहीं। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। यहाँ आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, तो फटाफट से खाते हैं। और ये जानवर का तरह, ये जानवर का तरह खा रहा है। अब यहाँ से बाइक चलाने का मज़ा आएगा। तो यहाँ से रोड्स काफ़ी सुंदर हैं, और राइट नाउ टाइम हो रहा है 9:35। हम लोग गुवाहाटी से निकले थे लगभग 6 बजे, तो 3-3.5 मतलब 3 घंटा में हम लोग पहुँचे। 8 घंटा ब्रेकफास्ट वगैरह किया, तो सही टाइम ही है। तो यहाँ से वैली का काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा देर रुकते हैं, एक दो फोटोज लेते हैं।
लोगों का फोटोग्राफी चल रहा है, धक्का होगा, मजाक मत करो। तो अब मैं राइड कर रहा हूँ सेवदीन भाई का बाइक, चलिए देखते हैं मजा आता है कि नहीं। वैसे इसमें व्यू काफी अच्छा आएगा, पल्सर चलाने का एक अलग ही मजा है, मतलब स्मूथनेस है बाइक के अंदर। गाड़ी कब 20 से 80 में पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता है। और ये वैली काफी खतरनाक है क्योंकि यहाँ में बिल्कुल भी रेलिंग वगैरह नहीं है, तो थोड़ा स्लो ही चलाने में फायदा है। पहले 7 सीटर घूम के आते हम लोग, फिर हमें वापस इधर ही जाना है। तो पहुंच चुके हम लोग फिलहाल सोहरा, और यहाँ घुसते हल्का फुल्का बारिश स्टार्ट हो चुका है। तो जो राइट की तरफ रास्ता जा रहा है यही जाता है नोंगरियाट विलेज की तरफ, और हम लोग अभी जाएंगे सीधा सीधी। ये फुटबॉल पूरा काला हो चुका है, देखो पहले पूरा वाइट था, पूरा काला हो चुका है। रशियन 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 ओए रशियन, हमें लड़का था। सो वेलकम टू इको पार्क। मैं आप लोग अभी जाएंगे नहीं इको पार्क, ऑलरेडी घूम लिया मैंने 2-3 बार। तो ये इको पार्क जो है ना, ये आपका मतलब हम लोग जो अभी देखने जा रहे हैं 7 सिस्टर फॉल, ये फॉल वहीं से गिरता है इको पार्क की उधर से। तो पहुंच चुके हम लोग, ये क्या 7 सिस्टर फॉल का नाम चेंज कर दिया, नोहाइस्टिगाइन फॉल। और यहाँ भीड़ तो काफी है, मैं देखते हैं वाटरफॉल में पानी कितना है। हमें वाटरफॉल में तो पानी ही नहीं है बे, क्या बोला था। तो अभी 7 सिस्टर फॉल से निकल चुके हैं हम लोग, मगर पानी कुछ खास था नहीं लगता, इस बार बरसात हुई नहीं अच्छे से। निकल रहे हैं वापस वाई साउथन के रूट पे जाते हैं। तो अभी ये वाला कट में हम लोग पहुंच गए हैं, अब ये कट से देखते हैं कौन सा वाटरफॉल जाना अच्छा रहेगा। तो इस रास्ते में हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं 1-2 बार वाई साउथन जब गए थे, तो देखते हैं वाई साउथन छोड़ के यहाँ और क्या क्या वाटरफॉल है और क्या एक्सप्लोर करने लायक है। तो यहाँ अभी हम लोग आके यहाँ रास्ता थोड़ा भटक गए हैं, अब समझ में नहीं आ रहा सीधा जाना है या लेफ्ट जाना है, और यहाँ आसपास में कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं है। तो अभी शायद हम लोग माओसावा फॉल्स के रास्ता में पहुँच गए हैं। वेलकम टू माओसावा फॉल्स नेचुरल स्विमिंग पूल। सो गाइस, यहाँ से माओसावा फॉल्स का ट्रैकिंग शुरू हो चुका है, और वो देखिए हमने वहाँ बाइक्स को पार्क कर दिया है। तो यहाँ से अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी मेरे साथ सिर्फ पंकज भाई, बाकी वो दोनों फटाफट आगे चले गए। तो हम लोगों ने अभी माओसावा फॉल का ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया है। मैं ट्रैक काफी आसान है, अभी उतरना तो आसान है, बस चढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा। बाकी इस जगह के बारे में अगर बताओ, वाटरफॉल का मुझे पता नहीं, हम लोग अभी पहुंचे नहीं है, मगर यहाँ का व्यू काफ़ी बढ़िया है। मतलब आपको ट्रैकिंग का जो व्यू मिलेगा ना, मतलब लाजवाब है। आपने तो ऊपर से देखा ही जो हम लोग आए, अभी यहाँ से वाटरफॉल का फर्स्ट व्यू मुझे दिख रहा है, अभी मैं आपको भी दिखाता हूँ। रुकिए, यहाँ से फर्स्ट व्यू मिल रहा है इस वाटरफॉल का। तो ये जगह तो मेरे हिसाब से काफ़ी कम लोगों ने एक्सप्लोर किया होगा, और यहाँ में एक नेचुरल स्विमिंग पूल भी है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ऊपर से तो काफ़ी शानदार लग रहा है, हम लोग नीचे आके भी देखते हैं मज़ा आता है कि नहीं, और आपको भी दिखाएंगे। वे टू वाटरफॉल एंट्री फीस 20 पर है, तो ये तो हम लोगों ने दे चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ से ट्रैकिंग जंगल के अंदर स्टार्ट हो रहा है। सब चला कैमरा निकाल के रखा है ये भाई, पर जंगल का रास्ता है। अबे यहाँ शेर वेर आ गया तो क्या करेगा? अबे शेर आ गया तो सेवदीन को देख के ऐसे भाग जाएगा, साला का अंदर मांस नहीं है। ओए भाई आराम से आराम से। अरे गिरेगा नहीं ना? अबे नहीं गिरेगा, आओ ना। कौन गड्ढा है? वो लकड़ी का भार तुमको आराम से सह लेगा, तुमसे ज्यादा वजन का है वो। बोरिया बोरिया
ए खतरनाक। सो गाइस देख लीजिए ये ट्रैकिंग का मेहनत, ये आया है नेचुरल स्विमिंग पूल और यहाँ में तो आदमी काफी है और स्विमिंग पूल के जस्ट ऊपर में यहाँ में वाटरफॉल। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग मौसा वाटरफॉल और ये देखिए यहाँ का व्यू। ट्रैकिंग इतना टफ नहीं है, उतरना काफी आसान था, चढ़ना थोड़ा हार्ड हो सकता है। और लगभग हमें कितना टाइम लगा, 10 मिनट बेसिकली लगभग हमें 10 मिनट लगा ऊपर से नीचे आने में। और जगह तो काफी बढ़िया है, व्यू देखिए। इसको पानी से डर लगता है मगर फिर भी देखिए पानी के अंदर उतर तो रहा है बस। अबे जाओ ना जाओ ना। तो अभी धीरे धीरे चढ़ के वापस हम लोग ऊपर जा रहे हैं। हालत तो खराब हो गया है थोड़ा बहुत, मगर इतना ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा हट। चढ़ने में ऐसे भी हालत खराब होता है थोड़ा बहुत, उतरने में तो काफी मजा आता है। तो पर्सनली अगर मैं मौसा फॉल को रेटिंग करूँ तो मैं 10 out of 9 दूंगा इसे। काफी बढ़िया लोकेशन है और भीड़ भी ज्यादा नहीं है यहाँ में, क्योंकि अभी इस प्लेस को बहुत कम जाने जानते हैं। तो आप लोग आराम से आइए यहाँ चिल करिए। और यहाँ का ट्रैकिंग कुछ ज्यादा टफ नहीं है, मैक्स टू मैक्स जहाँ हम लोगों ने बाइक रखा वहाँ से 15 मिनट लगेगा आपको पूरा वाटरफॉल तक पहुँचने में। तो बस इतना ही, तो इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने खास दोस्तों के साथ शेयर। तो राइट नाउ पहुँच चुके हम लोग गुवाहाटी। वैसे तो नौका में रुकने का प्लान था मगर काफ़ी बारिश हो रहा था तो उसके लिए हम लोग वहाँ रुके नहीं, एक बार में यहीं आ गए। आराम से यहाँ लंच करेंगे फिर करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड।